हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर्स विद दस। वी वर एट अहमदाबाद, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक और जगह जो कि अहमदाबाद की बहुत ही स्पेशल प्लेस है उसे भी एक्सप्लोर किया जाए। एंड हियर वी आर एट साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो कि गांधी जी का आश्रम था और ये इनका निवास स्थान भी था, सो वी थॉट कि ये जगह को कैसे छोड़ दिया जाए एंड देयरफॉर हियर वी आर। आइए मेरे साथ, आई विल टेक यू अराउंड टू सी दिस साबरमती आश्रम। द साबरमती आश्रम, विच इज ऑल्सो नोन एज हरिजन आश्रम, वॉज होम टू महात्मा गांधी फ्रॉम 1917 अंटिल 1930। इट हैज़ सर्व्ड एज वन ऑफ द मेन सेंटर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसे ओरिजिनली इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था, जो कि महात्मा गांधी जी ने जो फिलोसफी फॉलो की थी सत्याग्रह की, उससे इसका नाम सत्याग्रह आश्रम भी रखा गया था। गांधी जी हैड सेलेक्टेड अ प्लेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती। ये साबरमती रिवर के बैंक पर बना हुआ आश्रम है, जो कि एक्चुअली संत दधीची के टेंपल के बहुत करीब है। सो गांधी जी ने ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि ये संत दधीची और फिर ये जेल और क्रिमेटोरियम के भी बहुत पास है। गांधी जी कहते थे, दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर आर एक्टिविटीज़ टू कैरी ऑन द सर्च फॉर ट्रुथ एंड डेवलप फियरलेसनेस, फॉर On one side are the iron bolts of the foreigners and on the other thunderbolts of Mother Nature. गांधी जी इस आश्रम में कई साल तक के रहे थे बिफोर ही फाइनली प्रोसीडेड फॉर अ मार्च टू डांडी, जहाँ पे उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया था 12 मार्च 1930 को। एंड बिफोर स्टार्टिंग फॉर द मार्च टू डांडी, गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया था कि ही विल नॉट रिटर्न टू दिस आश्रम जब तक कि हमारी कंट्री को आज़ादी नहीं मिल जाती। दिस गांधी स्मारक संग्रहालय इज रन बाई ए पब्लिक ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1951। द म्यूजियम्स न्यू प्रमाइसेस वर बिल्ट इन 1963। द म्यूजियम्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हाउस द पर्सनल मेमोरेबिलिया ऑफ महात्मा गांधी। जो एग्जिबिट्स है यहाँ पर वो गांधी जी के लाइफ और हिस्टोरिक इवेंट्स को डेपिक करते हैं, और उस टाइम के जो मेमोरेबिलिया है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, फोटो कॉपीज है, फोटोग्राफ्स है गांधी जी के, उनकी वाइफ कस्तूरबा जी के, ये सारे यहाँ पर, इवन लाइफ साइज ऑयल पेंटिंग्स है और उनके राइटिंग डेस्क और उनका स्पिनिंग व्हील, सब कुछ यहाँ पर संजो कर रखा हुआ है। स्पिनिंग व्हील जिस पे गांधी जी खादी बुनते थे, और ये उनकी बैठक जो कि अभी भी वैसे के वैसे ही मेंटेन की हुई है।
यहाँ पर अलग अलग किस्म की चीज़ें जो हाथ से बनाई हुई बेची जाती हैं, और जो फंड से जमा होता है दैट इज यूज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द आश्रम। इस आश्रम द्वारा गांधी जी चुस्त और अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। See you in the next. Bye bye.